फाइनली आज SSR के जितने भी फैंस हैं और उनके फैंस जो नहीं भी है तो उनके लिए आज एक सेलिब्रेशन का वक्त है, क्योंकि आज उनके चहेते हीरो SSR उनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है 24 जुलाई को इसी मंथ में। हालांकि काफी लोगों को काफी दिन पहले ही इस चीज के बारे में मालूम हो गया था, लेकिन आज जब ट्रेलर रिलीज हुआ है तो ट्रेलर देख के काफी लोग खुश भी हुए और काफी लोग इमोशनल भी फील कर रहे थे, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ एक्टर नहीं था बल्कि मतलब वो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन था, वो ऐसा बंदा था कि मतलब हसमुख इंसान था वो, कभी अगर आप उनके प्रीवियस कोई भी वीडियोस देखोगे तो आपको कभी भी उनमें एटीट्यूड नजर नहीं आएगा, मतलब वो एक ग्राउंडेड इंसान थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में है नहीं तो उसका एक अफसोस है, लेकिन एक खुशी भी है कि उनकी मूवीज के थ्रू हम लोग उनको देख सकते और लोग उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते। खैर बात करेंगे इस मूवी की, तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे सुशांत सिंह राजपूत, डेब्यूटेंट संजना सांगी और सैफ अली खान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मुकेश छापरा ने, जो कि पहले एक कास्टिंग डायरेक्टर थे। दिल बेचारा ये मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड है जो कि रिलीज हुई थी 2012 में, द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, और इसी नॉवेल पे हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी 2014 में जिसका नाम था द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, तो बिल्कुल इसी मूवी का वो रीमेक है। हालांकि ना मैंने वो मूवी देखा हूं ना ही मैंने वो नॉवेल पढ़ा, तो मुझे कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना समझ में आता कि ये एक रोमांटिक ड्रामा होने वाली है जिसमें आपको थोड़ा बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगा और बहुत कुछ इमोशनल सीन्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस मूवी को म्यूजिक दिया है ए आर रहमान ने, और ए आर रहमान सर के बारे में इतना बोलूंगा वो एक लेजेंड है, और लेजेंड के बारे में आई थिंक इस चैनल पे और इस वीडियो में उनके बारे में यहाँ पर कुछ बोलना मतलब वही होगा कि छोटा मुंह बड़ी बात। खैर उसके अलावा बहुत सारे जो क्रिटिक्स है, जो बहुत सारे रिव्यूअर्स है, फेक रिव्यूअर्स है, वो लोग SSR जब जिंदा थे तो उनकी मूवीज को लेकर काफी कुछ नेगेटिव बोलते थे, लेकिन अब ऐसा दौर आ चुका है व्यूज और पैसे कमाने के लिए उनके लिए काफी कुछ अच्छी चीजें बोली जा रही, काफी कुछ फेक सपोर्ट दिखाया जा रहा है जो कि एक नंबर के मक्का भोस वाले लोग है समझ लो। खैर तो रिव्यूअर्स ऐसा बोलते थे उनकी मूवीज के डंपे के बाद बंदे को एक्सप्रेशन देने नहीं आते या बंदा एक ही तरह का एक्सप्रेशन पूरी मूवी में देता, तो उनको मैं 3 मूवी सजेस्ट करूंगा, एक तो केदारनाथ, दूसरी सोनचिरी और तीसरे छिछोरे। ये SSR की कुछ ऐसी मूवीज है जो मतलब अच्छे अच्छे एक्टर भी नहीं कर पा रहे आज की तारीख में, जिनको आप सो कॉल्ड एक्टर्स बोलते हो उनकी भी इस लेवल वाली फिल्म में, जहां पर आपको एक अच्छा मैसेज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उस एक्टर को इन क्रिटिक्स ने, इन रिव्यूअर्स ने और उन झाटू ऑडियंस ने सपोर्ट ही नहीं किया, तो इन जैसे बढ़िया एक्टर्स को डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा। उसके अलावा अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो यार ये मूवी हमारे इंडिया में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है आज तक, अगर कोई भी वेब सीरीज हो या मूवी हो अगर किसी पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा देखी गई हो तो अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, यानी कि दिल बेचारा को अब लोग सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंपैथी के लिए नहीं देखेंगे, एक ऐसा एक्टर जो हमारे बीच में नहीं है तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग उस मूवी को देखेंगे, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये मूवी वाकई में सुपर हिट होगी और वाकई में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और सुशांत सिंह राजपूत सर के लिए तो मैं इतना ही बोलूंगी, वो भले इस दुनिया से जा चुके लेकिन उनकी मूवीज के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे, और जब भी किसी को उनकी ज्यादा याद आएगी तो वो उनकी कोई भी प्रीवियस मूवीज देख सकते हो, जहां पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी वो है उनकी स्माइलिंग फेस। उसके अलावा एक चीज मैं भूल रहा हूं, वो है इस ट्रेलर में बताए गए डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स तो आपको SSR की जिंदगी में इतने ज्यादा फिट बैठ रहे हैं कि मतलब यार सुनकर ही एकदम वो सब चीजें याद आने लगती है। एक ऐसा इंसान जो छिछोरे ऐसी मूवी में या तो फिर इस मूवी में लाइफ के बारे में इतना कुछ अच्छा बताने वाला, अपनी लाइफ के साथ इस तरीके की चीजें करने पे मजबूर होता, तो सोचो कि उस बंदे के साथ क्या कुछ हुआ होगा। तो आप लोगों से इतना बोलूंगा कि इमोशनल होने का वक्त खत्म हो गया, अब सेलिब्रेट करो इस मूवी के ट्रेलर को और इंतजार करो 24 जुलाई का, और अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मिस्टर रोबोट, जो कि मैंने ऑलरेडी देख चुका हूं, तो उस पर आपको कल तक वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।